गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन पार्ट 6 ऑफ द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। लास्ट जो वीडियो थी वो पार्ट 5 थी और उसमें हमने कवर कर लिया था कैसे जो है महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन कर लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कैसे रेडी हो जाती है हेल्प करने के लिए कि हाँ हम अपनी आर्मी जो है इंडियन आर्मी वो कश्मीर में भेजेंगे और वो जो है वो उन रेडर्स से, पाकिस्तानी रेडर्स से फाइट करेगी और कश्मीर को उनके हाथों नहीं ले जाने देगी। सो लेट्स स्टार्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन करने के बाद क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को जब महाराजा हरि सिंह जो है वो साइन कर रहे थे उसी टाइम पे क्या हो रहा था कि जो रेडर्स हैं, पाकिस्तानी रेडर्स, उन्होंने मुजफ्फराबाद उरी सेक्टर से, मुजफ्फराबाद और उरी सेक्टर को हथिया लिया था, उसे कैप्चर कर लिया था। अब वो उसी रास्ते जो हैं वो कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो हम वही पढ़ेंगे कि मुजफ्फराबाद और उरी सेक्टर को कैप्चर करने के बाद वो बारामूला की तरफ बढ़े और उन्होंने कैसे जो है बारामूला के ऊपर डिस्ट्रक्शन मचाई, कैसे बारामूला डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। सो लेट्स स्टार्ट। द इंडियन आर्मी बाय एयर इन टू श्रीनगर ऑन 27 अक्टूबर 1947। इंडियन आर्मी जो है वो 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में लैंड करती है और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया जाता है और उसी के एक दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर में लैंड करती है। और साथ ही साथ क्या होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल राय अराइव्ड विथ हिज बटालियन एंड मूव्ड एज फार फॉरवर्ड एज बारामूला टू होल्ड द ग्राउंड देयर। और जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल हैं राय, उन्होंने वो क्या करते हैं अपनी बटालियन के साथ कश्मीर में आते हैं और बारामूला की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अननोन टू हिम द ट्राइबल्स हैड ऑलरेडी एंटर्ड बारामूला वेयर दे हैड रेवेज्ड द टाउन। अब उनको ये नहीं पता था कि जो हमारे जो रेडर्स हैं, पाकिस्तानी रेडर्स हैं, वो उन्होंने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एंट्री ले ली है, वो एंटर कर चुके हैं बारामूला में और वहाँ पे उन्होंने तबाही मचा दी हुई है। इस चीज़ से जो हमारे इंडियन आर्मी थी वो अननोन थी, उन्हें नहीं पता था ये चीज़। ऑन 27 अक्टूबर लेफ्टिनेंट कर्नल राय डिप्लॉयड हिज ट्रूप्स ऑन द लो हिल्स टू ईस्ट ऑफ बारामूला। 27 अक्टूबर को ही क्या होता है, जो राय हैं वो अपने जो ट्रूप्स हैं यानी जो अपने सोल्जर्स हैं उन्हें बारामूला के ईस्ट में, जो ईस्ट हिल्स हैं वहाँ पे तैनात कर देते हैं ताकि जो रेडर्स हैं वो बारामूला से आगे ना बढ़ पाएँ और उससे ज़्यादा जो है कश्मीर को कैप्चर ना कर पाएँ। अगेंस्ट द रेडर स्ट्रेंथ ऑफ 4,000 ट्राइब्समैन एडेड बाय पाकिस्तानी रेगुलर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल राय हेल्ड आउट विद अ स्मॉल रेयर पार्टी अलोइंग 1/6 रीडिप्लॉय एट पटन टिल ही वॉज मॉटली वाउंडेड। अब क्या होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अप्रॉक्सीमेटली वो 5,000 ट्राइब्समैन थे जो पाकिस्तान से आए थे कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे जो है वो स्टेट आर्मी जो है उन्होंने स्टेट आर्मी ने कैसे उन्हें रोका था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे उन रेडर्स को रोकने में और उन रेडर्स में से कुछ रेडर्स को उन्होंने नुकसान पहुँचाया था। अब इस पॉइंट तक आते आते क्या हो गया था, वो जो ट्राइब्समैन हैं वो सिर्फ 4,000 ही बच चुके थे। अब उन 4,000 ट्राइब्समैन के लिए क्या हुआ था, अब जो हमारे ये लेफ्टिनेंट कर्नल राय हैं उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, कहाँ पे, पटन में। पटन जो है वो एक जगह है और उन्होंने जब उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी पटन में, उनका मेन मोटिव यही था कि जो ये रेडर्स हैं इनको हम रोकें ताकि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे कश्मीर में लैंड करें और हम फिर के इनसे मुकाबला कर पाएँ। और अलोइंग 1/6 डिप्लॉय एट पटन टिल ही वॉज मॉटली माउंडेड। और उस टाइम पे उन्होंने जब पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी और उन्होंने क्या किया था, 1/6 एक बटालियन है उसे जो है वो पटन में तैनात कर दिया गया था। और जब उन्हें उन रेडर्स को ये पता चल गया था कि ये जो है ये सब सारी चाल है एक इंडियन आर्मी की उन्हें रोकने की, तो उन्हें भी बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया गया था। दिस ब्रेव एक्शन इन विच ही एंड हिज पर्सनल डाइड caused a delay of one day for the raiders, thereby allowing additional reinforcements to fly into the श्रीनगर। अब जो उनका ये ब्रेव, उन्होंने काफ़ी बहादुरी वाला काम किया था कि मतलब 4,000 रेडर्स को रोकना कोई आसान बात नहीं थी, तो उन्होंने यही, इसी के कारण क्या हुआ था, उनकी खुद की जो है वो भी जान गई थी और साथ ही साथ उनके जो उनके साथ जो सोल्जर्स थे उनकी भी जान गई थी। बट इसका एक फ़ायदा यही हुआ था कि जो हमारी इंडियन आर्मी है उसे टाइम मिल गया था कि वो कश्मीर में लैंड करे और बहुत ही अपने जोरों शोरों के साथ जो है इन रेडर्स के साथ फाइट कर सके। दिस डिले गेव द इंडियन आर्मी टाइम टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द डिसाइव बैटल एट शाल्टिंग लोकेटेड
10 किलोमीटर्स, लोकेटेड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। अब इसमें क्या हुआ था, जब ये डिले हुआ था, यानी जब उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, जब तक इंडियन आर्मी आई, फिर इसमें क्या हुआ था, पूरा एक दिन का समय लग गया था। और इस एक दिन के समय में क्या किया, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने लिए एक डिसाइव बैटल ग्राउंड जो है वो तैयार कर दिया था। यानी डिसाइव बैटल वो होती है आर्या पार की लड़ाई, कि जिसमें या तो वो कश्मीर को कैप्चर कर लेते, या तो इंडिया जो है वो कश्मीर को कैप्चर कर लेता। तो वही जो है वो इंडियन आर्मी ऑब्वियसली यही चाहती थी कि उन्हें कोई वो नहीं रखना है कि आधा उनका आधा इनका। उनका मेन मोटिव तो उस टाइम पे यही था कि आर्या पार की हमें लड़ाई करनी है। और इसके लिए क्या हुआ था, उन्होंने एक बैटल ग्राउंड तैयार किया था, कहाँ पे, शालटेंग में, जो कि 10 किलोमीटर अवे है, यानी श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूरी पे है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 7 नवंबर द इंडियन आर्मी सेव द ऑनर एंड प्राइड ऑफ कश्मीर वैली। 7 नवंबर को क्या हुआ, इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर को बचा लेती है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो कश्मीर की सभ्यता है, कश्मीर की जो ग्लोरी है, कश्मीर की जो रिस्पेक्ट है, उसे भी बचा देती है। बट इसके साथ साथ क्या होता है, एक चीज़ वो नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ दे हाउ बारामूला कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम वाइड स्प्रेड ब्लंडर एंड डिस्ट्रक्शन। वो बारामूला में जो उन्होंने तबाही ऑलरेडी मचा दी होती है उन रेडर्स ने, उसे वो उस चीज़ से नहीं बचा पाते हैं। अब जब हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं कि कैसे इंडियन आर्मी आती है, कैसे वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो इसमें क्या होता है, इन्हीं के बीच में एक बहुत ही फेमस नाम है, दैट इज़ मकबूल शेरवानी। अब जो ये मकबूल शेरवानी जी हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है उन रेडर्स को रोकने में। अब ये जो मकबूल शेरवानी हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे जो है वो इंडियन आर्मी की हेल्प की उस टाइम पे, और कैसे उन रेडर्स से लड़े थे। द इन्वेजन बाय ट्राइब्समैन कॉन्टिन्यूड ऑन एंड ऑन 27 अक्टूबर दे रीच्ड बारामूला एंड एम्बार्क्ड अपॉन एन ऑर्गी। सेंट जोसेफ्स फ्रांसिका कॉन्वेंट वॉज नॉट स्पेयर्ड। अब 27 अक्टूबर को क्या हुआ था, जब हमारी इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर में आ गई थी, उसी दिन क्या था, जो ये रेडर्स हैं वो बारामूला में घुस चुके थे, और बारामूला को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने तबाह कर दिया था। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी गई थी। इवन जो सेंट जोसेफ फ्रांसिका कॉन्वेंट है, उसे भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। मकबूल शेरवानी ऑफ बारामूला ऑर्गेनाइज द लोकल्स एंड गेव टफ रेजिस्टेंस टू दीज रेडर्स। अब जो ये मकबूल शेरवानी हैं, इन्होंने क्या किया, ये बारामूला के ही रेजिडेंट थे, इन्होंने वहाँ के लोकल्स को ही इकट्ठा किया और उन रेडर्स के ख़िलाफ़ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको रोका, यानी उन लोगों को रोकने में, उन्हीं रेडर्स को रोकने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया अलॉन्ग विद देयर लोकल। दिस एक्शन डिलेड द रेडर्स एंड गेव इनफ टाइम टू द इंडियन आर्मी टू रीच बारामूला। अब यही जो एक्शन है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, ऊपर में पढ़ा कि इंडियन आर्मी जो है उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, ये पार्टी वगैरह, ये किसने किया था, उन्हें किसकी हेल्प से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, मकबूल शेरवानी जी की हेल्प से उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। और इसी में क्या हुआ था, उन्हें एक दिन की देरी हो गई थी उन रेडर्स को, और उसी एक दिन की देरी के कारण क्या था, कश्मीर जो है उसे बचा दिया गया था। जब ये सब था, जब ये सब हो रहा था, यानी जब मकबूल शेरवानी जी उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें रोक रहे थे उन रेडर्स को, अब इसी के कारण क्या हुआ था, इंडियन आर्मी जो है वो जल्दी से जल्दी बारामूला पहुंच पाई थी। मकबूल शेरवानी वॉज कैप्चर्ड ऑन 7 नवंबर बाय द रेडर्स एंड नेल्ड टू अ वुडन पोल एंड रिडल्ड विथ बुलेट्स पब्लिकली इन द मेन बाज़ार। अब जो ये मकबूल शेरवानी जी हैं, इनके साथ बहुत ही एक बुरी घटना घटी। इनके साथ क्या हो गया था, 7 अक्टूबर को क्या हुआ, इन्हीं को रेडर्स द्वारा क्या किया, एक वुडन पोल पे लटकाया गया, उन्हें एक वुडन पोल पे बांधा गया, एक लकड़ी के पोल पे बांधा गया, और उन्हें जो है कीलों से उनकी बॉडी पे, उसे उन्हें जो उस वुडन पोल के साथ कैसे उन्हें बांधा गया था, उन कीलों से, यानी उनकी बॉडी में से कील पास करवाए गए थे और उन्हें उसी वुडन पोल के साथ बांधा गया था। और जब उन्हें उस तरह से ज़ख्मी कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, उन्हें बुलेट्स जो है उनकी बॉडी में डाले गए, यानी उनकी उनका जो उनकी जो बॉडी है उस पर गोलियाँ चलाई गई, उन पर गोलियाँ चलाई गई थी, और जिसके कारण क्या हुआ था, उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। His body was left hanging for 2 to 3 days till the Indian army came and brought it down for burial at the present day Sherwani Memorial. अब उनकी जो बॉडी है वो इतनी बुरी तरीके से जो है उसे इतनी बुरी तरीके से घायल किया गया था, फिर उन्हें मारा गया था, कि उनकी जो बॉडी है वो 2 से 3 दिन तक उसी पोजीशन में, सेम जगह पे रही थी। और उस उन्हें उनकी बॉडी को किसने नीचे लाया था बरियल के लिए, इंडियन आर्मी ने लाया था। और उनकी जो क्रीमेशन वगैरह है वो सारी किसने की थी, इंडियन आर्मी ने ही
की थी। और आज के टाइम पे वो कहाँ पर है, उनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है, शेरवानी मेमोरियल उसे आज के टाइम पे नाम दे दिया गया है। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन एन इंसिडेंट वेयर बाय मिस्टर जिन्ना ऑन हिज वे टू रावलपिंडी एंडियर्ड टू एड्रेस अ गैदरिंग एट बारामूला बट लेफ्ट इन अ हेस्ट आफ्टर स्लोगन्स वर रेज्ड बाय मकबूल शेरवानी एंड पीपल। ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को दिखाना, इस चीज़ को बताना कि जो जिन्ना हैं वो जब रावलपिंडी की तरफ जा रहे थे तो वो बारामूला से ही होते हुए जा रहे थे, और उस टाइम पर उन्होंने सोचा कि मैं बारामूला के लोगों को एड्रेस करता हूँ। बट क्या हुआ, जो बारामूला के लोग हैं स्पेशली मकबूल शेरवानी जी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्लोगन्स लगाए थे जिन्ना के खिलाफ, जिन्ना के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी स्लोगन्स लगाए और साथ ही साथ उन लोगों ने भी लगाए, और जिसके कारण क्या हुआ, उन्हें जल्दी 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 में उस जगह को छोड़ना पड़ा और रावलपिंडी जाना पड़ा। एडवांस टू श्रीनगर एयरपोर्ट, और इस चीज़ से तो हम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं कि कैसे जो है कश्मीर एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट पे कैसे हमला हुआ और कैसे जो है वो सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा के की हेल्प से कश्मीर एयरपोर्ट को बचाया गया। सो इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है कश्मीर की हिस्ट्री में। सो लेट्स सी इट। ऑन 29 अक्टूबर 1947 पार्ट ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ 167 ब्रिगेड अंडर ब्रिगेडियर जेसी कटोच फ्लू इन। तो क्या हुआ, 29 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, जो 161 ब्रिगेड है, ये भी एक बटालियन है, उन किसकी हम बोल सकते हैं किसकी सुपरवाइज़र, किसकी सुपर विजन में क्या, किसकी सुपरविजन में, ब्रिगेडियर जेसी कटोच की सुपरविजन में ये जो बटालियन है ये कश्मीर आई। और 3 नवंबर को क्या हुआ, ये जो रेडर्स हैं वो बड़गाम की तरफ बढ़े और उन्होंने क्या किया, कश्मीर एयरपोर्ट को कब्ज़ा करने का सोचा। अब जब इन्होंने कश्मीर एयरपोर्ट को कब्ज़ा करने का सोचा तो उस टाइम पे जो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं, जिनके राइट हैंड पे उस टाइम पे प्लास्टर था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो सोल्जर्स हैं उन्हें डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय मतलब तैनात कर दिया उसी जगह पे। और क्या हुआ, उस चीज़ को जब जब उन्होंने उन सोल्जर्स को डिप्लाई किया और उन्हें यही उस टाइम पे एडवाइस दी गई थी कि आपको जो है वो इस थ्रेट से, यानी आपको इस डर के माहौल से या जो अभी सिचुएशन चल रही है उसको आपको हैंडल करना है और आपको कैसे उस सिचुएशन से बाहर आना है वो आप देख लो। डिस्पाइट मैनी कैजुअलिटीज़ श्रीनगर एंड इट्स एयरफील्ड वॉज़ सेव्ड। उस टाइम पर जब मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो हैं वो कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट पे तैनात थे, उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई क्योंकि रेडर्स भी थे, वो आगे बढ़ रहे थे बड़गाम की तरफ और श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ। तो क्या हुआ, आमने सामने की लड़ाई जब हुई तो उसमें उस टाइम पे भी दोनों साइड में काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, बट उसके बावजूद भी कश्मीर को और साथ ही साथ श्रीनगर एयरपोर्ट को बचा दिया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा अर्न द इंडियन आर्मीज़ फर्स्ट परमवीर चक्र फॉर हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस। अब उनके इस सेक्रीफाइस के लिए, वो पहले ऐसे इंडियन आर्मी के सोल्जर थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था, और उन्हें परमवीर चक्र कब मिला था, उनकी डेथ के बाद उन्हें परमवीर चक्र मिला था। ऑर्डर्स वर इमीडिएटली इशूड टू परस्यू द फ्लिंग इन्वेडर्स। अब का उसी जो ऑर्डर है, यानी इंडियन गवर्नमेंट से ये ऑर्डर आया था कि जो ये इन्वेडर्स हैं इनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाए, जो ये भाग रहे हैं अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सो बारामूला वॉज रिकैप्चर्ड ऑन 9 नवंबर 1947 एंड द इंडियन आर्मी रीटुक उरी ऑन 11 नवंबर 1947। अब मेन कंक्लूजन तो यही था कि कश्मीर वैली को कैसे बचाना है और इन इन्वेडर्स को कैसे पीछे भगाना है, तो वही हुआ, बारामूला को है वो बचा लिया गया उनके हाथों जाने से, कब, 9 नवंबर 1947 को। और साथ ही साथ उड़ी, जो उन्होंने मुजफ्फराबाद उड़ी सेक्टर को भी कैप्चर कर दिया था, उसमें से उड़ी को भी जो है 11 नवंबर 1947 को बचा लिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली मुजफ्फराबाद नहीं बचा पाए थे। तो ये जो है, इन वन मास्टरली स्ट्रोक द गेट्स टू द कश्मीर वैली शट टू द इन्वेडर्स फॉर एवर। और उस टाइम पे जो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी इंडियन आर्मी ने, कि कैसे जो है उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया, पार्टी वगैरह, फिर दिन मकबूल शेरवानी जी जो हैं उन्होंने अपनी कुर्बानी दी कश्मीर को बचाने के लिए, यही सब चीज़ें जो हैं वो हमने आज इसमें वीडियो में पढ़ा, और यही सब चीज़ें जो हैं वो कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक मेन पार्ट हम बोल सकते हैं, काफ़ी मेन पार्ट जो है वो प्ले करती हैं। तो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि
कि इन सब चीज़ों के बाद क्या हुआ, जब बारामूला को दोबारा रिकैप्चर कर लिया गया, उड़ी को भी जो है वो बचा लिया गया, तो आगे जो है वो पाकिस्तान कैसे अपनी जो पाकिस्तान की आगे वाली स्ट्रेटजी क्या रही, और जो इंडियन आर्मी है उसने कैसे कश्मीर को बचाते रही, और जो कश्मीर के खुद के लोग हैं उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर आप कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट से ही जो है वो पता चलता है कि वीडियो कैसा था एंड कौन से मॉडिफिकेशंस आपको इस वीडियो में चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वन मोर थिंग, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगा, तो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज या कुछ और चाहिए होगा सो मेल मी ऑन दैट। थैंक यू सो मच।